हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे यदि आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे देख रहे हैं पूरा ग्रीन टिक ऐसा आ जा रहा है और इस तरह से जब भी क्लिक कर रहे हैं कि कुछ सेकंड के बाद आपको इस तरह का मतलब ओपन हो रहा है, यानी कि आपको पीसी को रिसेट करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए मैंने ऊपर पूरा जो टाइटल वो लिख भी दिया हूँ और देखिए मेरा एरर क्या आ रहा था, मेरे को आ रहा था प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। जैसे ही मैंने जो मेरा पीसी है ऊपर जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, मतलब उसमें क्या हुआ था, इंस्टॉल करते देखिए मेरे को बार बार ऑप्शन आ रहा था प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पीसी को रिसेट करना होगा, आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पीसी जो लिखा हुआ है दिस पीसी या रिसेट, तो इसमें देखिए आ रहा है हमको यहाँ पर कीप माई फाइल, ये फिर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए हमको आगे रिसेट दिस पीसी। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए कोई भी फाइल डिलीट नहीं होने वाला है, यह 100% है, ठीक है। आपको जो भी जो प्री इंस्टॉल मतलब सॉफ्टवेयर वो रहेगा, लेकिन जो आपने बाद में इंस्टॉल किया है मतलब कि मतलब इस खरीदने के बाद लैपटॉप को जो इंस्टॉल किया है मतलब नेट से, वो के सारे क्या वजह उड़ जाएंगे, लेकिन उसका डाटा आपको पूरा का पूरा सेफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम था। उसके बाद क्या करना होगा, आपको ये ऑप्शन आएगा क्लाउड डाउनलोड और लोकल रीइंस्टॉल, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर लिखना होगा जो हमारा ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा लोकल रीइंस्टॉल, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसी पे क्लिक किया तो उसके बाद मुझे 2 घंटे के आसपास लगा था और मेरा जो सोल्यूशन है वो मुझे मिल गया था। 2 घंटे बाद जो मेरा जो एरर था वो जो अभी आया था और जिसकी वजह से मेरा सिस्टम मतलब कुछ ऑन नहीं हो पा रहा था, सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने यही किया था, मैंने यहाँ पे एचपी सेंटर भी ले गया था, लेकिन उसने क्या किया मुझे फॉर्मेट करने के बोला था, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने ये काम किया था रिसेट एचपीसी वाला। इसे क्लिक करेंगे देखिए आपका पूरी की पूरी जो फाइल मेरे देख रहे हैं आप यहाँ पे।